और हमारी ये मांग है सरकार से कि हमारा जिला परिषद कहते के एम्प्लाई हैं इनको जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में या पंचायती राज विभाग में डिले किया जाए और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। कितने दिनों तक करते हैं सर कि आप जो है अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? जब तक सरकार मांग हमारी पूरी नहीं करेगी तब तक पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। बाकी आपके संगठन के अन्य जितने भी व्यक्ति हैं क्या आप उनसे आप मिलवाएंगे मिलवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर प्रधान जी। हम जितने भी जिला परिषद के अंदर आते कर्मचारी वर्ग जितने भी हैं हम उनका समर्थन करने आए हैं। हम जितने भी पंचायतों के प्रधान उपप्रधान या मेरे साथ मेरी सारी पंचायत भी आई है हम सभी इनका समर्थन करने आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए ताकि हमें भी कोई भी विकासात्मक कार्य में कोई अड़ंगा ना हो। हमारा पंचायत में सीमेंट भी वैसे ही सारा खराब हो रहा है जितना भी है इसको सरकार को बड़ा ज़्यादा लॉस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि कोविड 19 में जितनी पहले भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है उसके बाद अभी बड़ी मुश्किल से काम चले हैं उसके बाद इनकी पेन ड्राउन स्ट्राइक शुरू हो गई और इसके बाद कुछ दिनों के बाद इनकी आचार संहिता खत्म हो गई। हम पंचायत का काम कब करेंगे ये सरकार को पहले ही सोचना चाहिए। मैं तो सरकार से फिर भी नंबर आग्रह करती हूँ जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को पूरा किया जाए या कोई हल निकाला जाए। आप कौन सी पंचायत की? मैं ख्योरी पंचायत की प्रधान जी। कितने लोग हैं आपके साथ कितने प्रधान जुड़े हुए हैं? जी मेरे साथ ये देखो सारे प्रधान चाहिए सभी पंचायतों के प्रधान जी सभी मेरे साथ ये चाहते हैं सारे इनके समर्थन में। आप चाहते हैं कि जो है सरकार की मांगों को पूरा जी बिल्कुल और इसलिए हम जितनी भी ग्राम सभाएं हम उसका भी बहिष्कार करेंगे क्योंकि हम सचिव के बिना अधूरे हैं। पंचायत मैं तो पंचायत सचिव जो उसकी हो जरूरी चाहिए। आपका प्रधानों का अपनी ओर से प्रस्ताव दिया सर? जी बिल्कुल अभी हम लिख रहे हैं अभी हमारा जाएगा प्रस्ताव। तो प्रेस बंधुओं को मेरा नमस्कार है सभी प्रधानों की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम शशिलता है मैं ग्राम पंचायत गरली की प्रधान हूँ। यहाँ मेरे जितने भी ब्लॉक जसवा प्रतापपुर के प्रधान पंचायतों के प्रधान सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी ने जो जिला परिषद के अंदर काम कर रहे हैं जो उनको सरकार से विनम्र निवेदन है कि उनको पंचायती राज विभाग में जोड़ा जाए। उनको जो सरकारी फैसिलिटीज रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो सारी फैसिलिटीज पंचायत के सेक्रेटरियों को मिलनी चाहिए। ये सभी प्रधान जितने भी पंचायत के प्रधान आए हुए हैं वो इस पंचायत जो मतलब इसमें बैठे हुए स्ट्राइक में बैठे हुए पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं उनका इस बात के लिए समर्थन करते हैं कि सरकार उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे और आने वाले समय में जितनी भी ग्राम सभाएं होती है प्रधान उन ग्राम सभाओं को कोई भी पंचायत लेवल पे नहीं करेंगे क्योंकि जो पंचायत के सचिव हैं उनके बिना सारा काम जो है पेंडिंग चला हुआ है। साथ में यहाँ जो यहाँ टेक्निकल सहायक जेई उन वो भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जितने भी इनकी मांगे हैं जो भी मांग पत्र में मांगे लिखी हुई है उनको सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करे क्योंकि जनता के समक्ष जो भी सचिव प्रधान अपनी सेवाएं देते हैं वो अधूरी रह रही है। जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि मैक्सिमम पंचायतें सेक्रेटरी रूम जो बंद पड़े हुए हैं सारा कार्यभार जो भी काम है सब बंद पड़ा हुआ है। पंचायत को इतने दिनों के बाद सीमेंट मिला हुआ है लेकिन वो आने वाले कल में सब खत्म हो जाएगा वो खराब होने वाला है सारे काम बंद पड़े हैं। मेरा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर जितने भी पंचायत के सचिव टेक्निकल सहायक यहाँ जेई जितने बैठे हुए उनकी जो मांगे हैं वो जायज है सभी प्रधान इन मांगों का समर्थन करते हैं और जल्दी से जल्दी इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि हम पंचायत के सारे कामों को सुचारू रूप से चला सके। धन्यवाद। ये ज्ञापन जो है सभी प्रधानों की तरफ से सौंपा जा रहा है और समर्थन किया जा रहा है प्रधान सभी समर्थन करते हैं इनकी मांगों का। तो सभी लोग उसमें साइन करेंगे मतलब सभी सभी सभी, सभी, सभी ने कर दिए
हम अपनी तरफ से।